नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो उपस्थित हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल सरकार ने नया दाव चल दिया है, क्या खबर रहेगी पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो नहीं बढ़ेगी क्लास फोर की रिटायरमेंट एज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ेगी। हिमाचल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की सत्यदेवी बनाम हिमाचल सरकार के स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में वर्ष 2001 के बाद नियुक्त क्लास फोर सरकारी कर्मचारी 58 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, जबकि इससे पहले के कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने मई 2024 में दिए फैसले में सभी को 60 साल में रिटायर करने को कहा था। इस बारे में दायर 112 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार की तरफ से जारी उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद रिटायर किया जाएगा। इस अधिसूचना को एक साथ कई याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है, उन्हें वापस बुलाने के आदेश भी दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि 10 मई 2001 के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके अलावा जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें वापस बुलाया जाए। साथ में ये आदेश दिए गए थे कि ऐसे कर्मियों को भी 60 साल पर ही रिटायर किया जाए। तो ये रही बड़ी खबर कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ेगी। तो सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। तो ये रही बड़ी खबर। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।